दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले पर फैसला आने के बाद जो लोग अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे लगातार लगाते आ रहे हैं, उनके लिए शनिवार का दिन बड़ी खुशी का दिन साबित हुआ। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि यहाँ भी वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। कहने का मतलब यह कि देश में सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने का जंत्र मिल गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने बिना देरी किए अपने बयान में कहा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से सत्य सामने आएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वस्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। अर्जी मथुरा के जिला अदालत में 1 साल पहले दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया है। उन्होंने 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म किए जाने की मांग की। दाखिल किए गए वाद में हिंदू सेना ने 1968 में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते को चुनौती दी गई थी। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह को लेकर मथुरा कोर्ट में 12 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इन सभी में भगवान श्री कृष्ण की 13.37 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई है। कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास, अखिल भारत हिंदू महासभा, भगवान केशव दास के अलावा व्यक्तिगत वाद दाखिल हैं। अंत में इस मामले में पूरा विवाद है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इसमें करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है और 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद। याचिका में मुख्य तौर पर दो मांगे की गई हैं। पहली, ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को दिया जाए, और दूसरी, 1968 में जमीन को लेकर जो समझौते हुए थे उसे भी रद्द किया जाए। आप सबको मालूम होगा कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के तौर पर माना जाता है। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली थी। यह ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। अब इस मामले में जो याचिका दाखिल की गई उसमें ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई थी, जिसे जिला अदालत ने मान लिया है और अपने फैसले में कहा है कि यहाँ भी वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। फिलहाल कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुका है। 2 जनवरी 2023 को जब कोर्ट बैठेगी तो सर्वे की कार्यवाही किस रूप में होती है और विहिप संघ और बीजेपी के नेता इसे किस रूप में भुनाते हैं, यह देखना रोचक होगा। क्योंकि अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव,
लिहाजा बीजेपी इस ओर उम्मीदों से भरी टकटकी लगाकर देख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।